होनी तीन बड़ी इज अ सिटिंग एरिया दिस इज द रिक्शा नहीं देखो ये वाला क्या आता है गाइस फिर हम खा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस करिए ताकि सारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको अपकमिंग वीडियोस के मिलते रहें। Hey guys, welcome back to my channel, Akku Lifestyle and Kitchen. कैसे हो आप सब? Wish you a very happy new year to all of you. So today is 1st of January 2021. तो हम लोग अभी फिलहाल जा रहे हैं डिनर के लिए। आज का हमारा न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करना है वो आप लोगों को दिखाना था ना, तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो फटाफट से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ये वीडियो भी होने वाला है ऑसम। तो अच्छा, एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने, 2021 इसमें क्या छुपा हुआ है? इट्स 2021। चलो ठीक है, अभी हम लोग निकलते हैं फटाफट और आज आपको हम दिखाते हैं कोयम्बटूर और यहाँ के रेस्टोरेंट, एक स्पेशल रेस्टोरेंट है नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट जो यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता है। मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, फेमस है, रश बहुत होता है वहाँ पे, बट यहाँ पे जो नॉर्थ इंडियन से उनको कम पता है। तो हम ऐसी नई नई जगह सर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, वैसे एक रेस्टोरेंट ढूंढा है, बल्ले बल्ले रेस्टोरेंट, और एम्बियंस बहुत अच्छा है, साथ में बने रहिएगा बिकॉज यू गोना लव द रेस्टोरेंट। तो गाइस आपको दिखाना था, ये है हम दोनों का आज का लुक। मैंने पहना हुआ है ये कुर्ता, थोड़ा पीछे जाना तो मुझे, और इसके साथ ये क्लूटोस जो क्रिश को अच्छा नहीं लग रहा पर मुझे पसंद है इसलिए मैं पहन रही हूँ। इसके साथ मैं डालूंगी एक गोल्डन कलर की बेली जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और क्रिश ने पहन रखा है ये व्हाइट शर्ट और जीन। तो आज भी हम मैचिंग मैचिंग है, और मैं आपको दिखाती हूँ अपना मेकअप। ये मैंने आज लगाया, चलो मैं सेल्फी में दिखाती हूँ आपको। तो ये बेली मैं पहनने वाली हूँ इसके साथ, जस्ट टेल मी कि ये कैसी लग रही है। मैं इसको दूसरी बार पहन रही हूँ, ये रखे रखे खराब हो रही थी, मैं इसको दोबारा पहना नहीं, बस एक बार पहना था भाई की एंगेजमेंट में। सो यस, दिस इज माय कंप्लीट लुक फॉर टुडे। और मेरा मेकअप देखो, आज मैंने बहुत वैसा वाला लाइनर लगाया, चौड़ा वाला जैसे मैं ऑफिस के टाइम में लगाती हूँ, और बाकी और कोई आज मेकअप नहीं किया, बस मोटा सा लाइनर और मोटा सा काजल लगाया जैसे मैं पहले लगाती थी। तो होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। तो चलो फटाफट से निकलते हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग लेट। और क्रिश तुम बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम लाइट नहीं चलाई है, लाइट ऑन करो और फिर दिखाते हैं। अब देखो कैसा लग रहा हूँ मैं। So, अभी हम टैक्सी में रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो आपको फिर मिलते हैं, थोड़ा सा रास्ते में दिखाते हैं। रास्ते में तो इतना कोई खास नहीं है आज, तो आपको फिर दिखाते हैं, मिलते हैं रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट मिलते हैं। बाय। So we reached the restaurant. इधर हो जाओ, आगे हो जाओ। बैठो बोल। हाय। So अभी हम बल्ले बल्ले रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं, तो ये आप देख सकते हो पीछे बल्ले बल्ले। This is the entry. आप देख सकते हो एंट्री काफी अच्छी है, और ये इसके सामने एक अपार्टमेंट है, पनेकल अपार्टमेंट्स, देखो पनेकल अपार्टमेंट, ये अपार्टमेंट है, इसके सामने ही है, साइबर कॉलोनी में। ये आई थिंक वन ऑफ द फॉर्ट प्लेस है। इसकी मैं एंट्री और दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखो, इसकी एंट्री पे सामने इधर ट्रक खड़ा हुआ है, तो ये है। तो अभी हम चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। सो गाइज, हम रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं, और यहाँ पे एंट्री पे देख सकते हो कुछ लोग हैं जो फोटो शूट कर रहे थे। हम अंदर जा रहे थे, क्रिश ने बोला कि वहाँ पर लॉरी के पास चलते हैं, तो मैंने कहा कि वो लोग फोटो शूट कर रहे हैं, तो क्रिश वॉज लाइक कि हटा दो ना उन्हें यहाँ से। सो दैट्स व्हाई मैं हंस रही थी। तो ये है सिटिंग एरिया, ये आउटसाइड सिटिंग है, और इनका एक इनसाइड भी सिटिंग एरिया है, बट वहाँ पर एक प्राइवेट पार्टी चल रही है अभी। तो ये दे सकते हो, ये ट्रक खड़ा हुआ है, और सो नहीं, इसमें इसमें आ रहा है मेरे, इसमें आ रहा है,
ट्रक आ रहा है, वो भी शूट कर रही है। तो ट्रक है ये, दिस इज़ द एंट्री, और ये पीछे हमारे पूरा ये रेस्टोरेंट है। देखो अच्छा एम्बियंस है। ये व्यू अ ब्रीफ व्यू ऑफ बले बले रेस्टोरेंट। दिस इज द लॉरी, इज अ सिटिंग एरिया, हियर यू कैन पिक योर क्लिक्स आल्सो। हां दैट्स फाइन, आई एम आल्सो डूइंग। दिस इज द रिक्शा। So these are kind of prop, you can say. Here you can pick your click your pics. So we are going to inside. After the dinner we will take some pictures. Background music copyright aayega. You can see this is the setting. You can see in the plates, the glasses, this is the brass plate, giving a nice feeling. Krish, how are you feeling now? साउथ में आके पहली बार लाइक ऐसा फील हो रहा है कि साउथ में नहीं है। वाह, देयर प्लेइंग हमारी अधूरी कहानी। सो दिस इज द वेलकम ड्रिंक जो अभी वो लेकर आए हैं। Quite nice. Cordial डाला हुआ है इसमें। Sorry? Not a fresh lemon. It's a cordial जो liquid syrup आता है ना। Okay fine. वो डाला हुआ है। Like a squash. Squash. चलो ठीक है। They are serving dish, serving plate जो है इनकी, जिसको देख के थोड़ा शाही kind of feeling आ रहा है। क्यों क्रिश? Brass के you know plates हैं, glasses हैं, थोड़ा different है। गाइस फिर हम खाते हैं और आपको रिव्यू देते हैं। तो कैसा लगा खाना? बढ़िया। रेट करो। 9.5 मैं करूँगी 9 out of 10। मे बी मेरे एक्सपेक्टेशंस थोड़ा ज़्यादा हाई थे, बट आज रश भी बहुत ज़्यादा है, पूरा रेस्टोरेंट फुल है। तो गाइस ये जो टेबल पर आप धुआं सा देख रहे हो, इन्होंने सर्व किया है हॉट चॉकलेट ब्राउनी विद आइसक्रीम। इसमें बहुत सारा स्मोक आ रहा है। दिखा देते हैं आपको रेस्टोरेंट का एक ब्रीफ व्यू। तो चलो गाइस आपको मैं इस पूरे रेस्टोरेंट का एक टूर करा देती हूँ। सो इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर। मैं आपको ये पूरा सिटिंग एरिया दिखाने जा रही हूँ। दिस इज़ द आउटसाइड सिटिंग एरिया। ये पूरा भरा हुआ है आज न्यू ईयर की वजह से, बहुत ज़्यादा रश है। बाहर वेटिंग में भी बहुत सारी फैमिलीज खड़ी हुई हैं,
और आप देख सकते हो इन्होंने एक अलग से भी टेबल लगा रखा है, बहुत ज़्यादा रश था। एंड यहाँ पर एक इनसाइड एरिया भी है, इनसाइड सिटिंग भी इन्होंने बना रखी है इस डोर के दूसरी तरफ, जहाँ पर एक प्राइवेट पार्टी चल रही है। सो दैट्स व्हाई वहाँ मैं नहीं जा सकती अभी। ये आप देख सकते हो अंदर, अंदर का भी एम्बियंस बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम कभी भी विजिट करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। एंड अभी हम चल रहे हैं आगे एंट्रेंस की तरफ। ये इनका बिलिंग काउंटर है इस साइड। एंड नाउ स्टेट हम जा रहे हैं, यहाँ पर है वॉशरूम एंड दिस इज द लॉरी जहाँ से हमने एंट्री किया था। और अब हम जा रहे हैं फोटो सेशन के लिए। हेलो, सो डिनर करके हम आ चुके हैं वापस। और डिनर का रिव्यू हम आपको वहाँ पर नहीं दे पाए थे बिकॉज हम लोग बिजी हो गए थे फोटो सेशन करने में। एंड कृष्णा क्या ना, वो बाहर जाके ना पता नहीं क्या हो जाता है, घर में एकदम बिंदास रहते हैं, बाहर जाके वो शाय हो जाते हैं। मैं उनको कह रही थी कि उसमें बैठ जाओ, फोटो क्लिक करनी है, बट वो नहीं बैठे, उनको शाय फील हो रहा था। और आपने देखा भी होगा कि बहुत रश हो गया था, हम बहुत सही टाइम पे पहुंच गए थे। लास्ट ईयर क्या होता ना यहाँ पे, वैसे 31 को बहुत बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत इवेंट्स वगैरह भी हो रहे होते हैं रोड पे। लास्ट ईयर तो क्रिश ऑफिस में ही फंस गए थे 31 की नाइट में। इनका काम था, इनकी नाइट शिफ्ट थी, इनको लेट नाइट आना था, बट ये था कि ये आ जाएंगे 12 बजे के पहले पहले आ जाएंगे। और मैं 10 बजे से कंटिन्यू कैब ट्राई कर रही थी और कोई भी कैब नहीं मिल रहा था, पूरा रोड ब्लॉक था और इस साइड से दूसरे साइड तक कैब आ नहीं पा रही थी। एंड देन व्हाट हैपेंड, मैंने कैब वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया मैं फंसी हुई हूँ, प्लीज़ आके पिक कर लो, नहीं तो कैंसिल हो जाएगी, प्लीज़ कैंसिल मत करो भैया, क्योंकि मेरे पहले भी 4-5 कैब कैंसिल हो गई थी। फिर वो जैसे तैसे आया और क्रिश को पिक किया उसने और वो लेकर के मतलब फिर वो घर पर आए। तो इस बार भी रश था बट 31 तो बाहर निकले ही नहीं थे। और फर्स्ट को लाइक अभी आज हम जैसे डिनर करके आए हैं तो ये था कि हम बहुत सही टाइम पे 7 बजे पहुंच गए थे, कुछ ज़्यादा रश नहीं था, तो आराम से डिनर किया। एंड उसके बाद आपने देखा ही होगा 8 बजे से अच्छा खासा यू नो रश आना शुरू हो गया था, वेटिंग लगी हुई थी, बहुत सारे लोग बाहर वेट कर रहे थे और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक नहीं कर पाए बिकॉज जहाँ पे वो लॉरी वॉरी रखी थी ना बहुत सारा रश था वहाँ पे। तो खाना बहुत अच्छा था, रेटिंग हमने आपको एक साथ शेयर की है, कृष्ण ने दिया है 9.5 रेटिंग आउट ऑफ 10 और मैंने आउट ऑफ 10 दिया है 9। मे भी हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे बिकॉज रिव्यूज बहुत अच्छे मिले थे, हो सकता है इसलिए ऐसा लगा हो। बट बाय द वे खाना बहुत अच्छा था, एकदम नॉर्थ इंडियन फ्लेवर था, कुछ अलग था और सबसे अच्छा था एम्बियंस। मैं आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा म्यूजिक नहीं सुना पाई बिकॉज लाउड म्यूजिक था, बहुत लाउड भी नहीं था बट यू नो बॉलीवुड सॉन्ग्स चल रहे थे, तमिल सॉन्ग्स चल रहे थे, तो वो सब यू नो कॉपीराइट इशू आता है तो वो सब तो मैं नहीं सुना पाई। बट बहुत ही अच्छा एम्बियंस और बहुत ही अच्छा फील था बिकॉज एक रोमांटिक सा फील आ रहा था, आप एक अच्छा रोमांटिक डेट प्लान कर सकते हो वहाँ पे, अच्छा म्यूजिक, अच्छा एम्बियंस, अच्छी लाइटिंग। तो यार इट्स लाइक दैट ऑल अबाउट द टुडे नाइट। और अच्छा आप लोगों को न्यू ईयर गिफ्ट क्या मिलता होगा मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पति ने मुझे न्यू ईयर गिफ्ट क्या दिया है। ये लेस का पैकेट और ये एपिफिस की बॉटल, एक बड़ा डेरी मिल्क, ये देखो। और मैं दिखाती हूँ क्या दिया है इन्होंने मुझे, हाँ ये देखो किंडर जॉय, ये मिला है मुझे, छोटा बच्चा हूँ मैं किंडर जॉय खाऊंगा अभी, ये किंडर जॉय हम दोनों शेयर करने वाले, क्योंकि कृष्ण ने मुझे बोल दिया मैं ले तो आया हूँ पर हम दोनों शेयर करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है इसको खोलते हैं। मैं ना उनके साथ एक गुगली करने वाली, उसको खोलते हैं, हम लोग जो तुम्हारे से मैं आएगा वो तुम लोग, जो मेरे से मैं आएगा वो मैं लूँगी, तो चलो उनके साथ मिलकर खोलते हैं किंडर जॉय, उसके बाद फिर करते, क्योंकि हम करने जा रहे हैं गेम चैलेंज और ये हमारा इस न्यू ईयर का और इस साल का पहला गेम चैलेंज है, पहला चैलेंज वीडियो। सो क्रिश आ जाओ उसको खोलते हैं फटाफट, देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। कौन खोलेगा, मैं खोलूँ?
हाँ खोलो खोलो खोलो, खोल के कोई भी साइड मुझे दे देना, आंख बंद करके। नहीं आंख बंद करके नहीं, तुम खोलो, मैं चूज कर लूंगी मेरे को कौन सा साइड चाहिए। ये मैं तो हाँ खुला खुला है पांक, मेरे को ये वाला चाहिए। बोला ओह नो, मेरे को ये वाला चाहिए। नहीं अब भूख लगा, मेरे को वाला अब मुझे आता है, मेरे को ये वाला चाहिए। अब हो गया, अब तो हो गया, तुमने लिया ये वाला चाहिए, तो देखो क्या आता है। देखो मेरे को खिलौना मिला है, ये खिलौना मिला है और मुझे मिल गया चॉकलेट। तो ये टास्क मुझे दिया, बट एनीवे ये तुम्हारे लिए थी तो तुम ही खाओ, बट टास्क मुझे पता है पिछले वाले किंडर जो है जब हम लोगों ने खोला था तो ये वाले पोर्शन में ना वो था चॉकलेट का और उस वाले में हां वो ऊपर नीचे कर दें जाने कुछ कैसा है। देखो बोल दो मेरे को, एनीवे एनीवे ये तुम खाओ। और इसको ना बनाते भी हैं, इसमें क्या मिला, एक रिंग मिली है। हमने ट्रेडिशन नहीं खाया था ना, ये कुछ मिला है इसको हम बनाएंगे बाद में। इसमें फिंगर रिंग मिली, क्रिश देखो तूने मेरे को रिंग नहीं दी ना, तो उन्होंने मेरे को रिंग दे दी। अरे स्पून है उसके साथ, ये लो तुमने रिंग नहीं दी, फिर मुझे न्यू ईयर गिफ्ट में मिल रहा है। अब मैं बना था ना, चलो ठीक है अभी खाते हैं, चलो अब चैलेंज करते हैं चूरे। और हाँ अभी मैं आने वाली हूँ लाइव पहले, क्योंकि आप सबको विश करना है, आप सबको विश किए बिना जब तक मैं अपनी ब्यूटी फैमिली से मिलूंगी नहीं, विश नहीं करूंगी, ये सेलिब्रेशन अधूरा है। तो फिर मैं आ रही हूँ लाइव, आफ्टर दैट आप देखेंगे हमारा चैलेंज। सो गाइस अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैलेंज का टास्क जो है बलून चैलेंज, जिसमें ये है कुछ बलून और हम दोनों को दो दो मिनट का टाइम मिलेगा, टाइमर हम सेट कर देंगे फोन पर और दो मिनट के अंदर हमें ये बलून फुलाने हैं और अपने बम से फोड़ना है जैसे कृष्ण ने किया था पिछली वीडियो में। तो ये होगा हमारा टास्क और जो ज्यादा बलून फोड़ेगा दो मिनट के अंदर में वो विन करेगा टास्क को। बट बलून फुलाना ही नहीं है, बलून फोड़ना भी है, वो आपकी मर्जी, आप एक बलून फुलाओ फिर फोड़ो या एक साथ फुला के फोड़ो, बट जितने बलून फूटेंगे फटाफट जाती हूँ और टाइमर सेट करती हूँ अपने फोन पे दो मिनट का, लेट्स सी कि दो मिनट में ये क्या करते हैं। उस दिन तो एक भी बटन नहीं चलाया, निकाल के रख सकता हूँ और ये बताते रहे कितने सेकंड निकल गए बीच बीच में ना, वो तुम पूछो मैं तुम्हें बताता हूं। अच्छा नहीं बीच बीच में 20 सेकंड में बता दे रहा, 20 सेकंड अब 40 सेकंड हो गए हैं। मैं हाफ निकाल देता हूँ, मुझे दो मिनट ज्यादा तो नहीं होगा। और सुनो बलून सब यहाँ पीछे रखे होंगे, पीछे से उठाने सामने चल दो, तो क्रिश जब मैं बोलूंगी 1 2 3 स्टार्ट तब तुम्हें स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, एक साइड मर चुके रहना वरना टेबल लेके फोड़ना भी है। उधर से नोट करते रहना कि एंगल ठीक आ रहा है कैमरे का, चलो हाँ सारे एंगल ठीक आ रहे हैं, चलो सो 1 2 3 स्टार्ट। ये व्हाट दिस साइज, वो मुझे नहीं पता तुम किस साइज का फुलाओगे, बट फूलना चाहिए और फूटना चाहिए। ये आता था ज्यादा छोटे फुलाओगे तो फूटेगा नहीं और ज्यादा बड़े फुलाओगे तो मुंह में फूट जाएगा। दिस इज 1 मिनट 33 सेकंड्स, आई मीन 33 सेकंड्स कम हो चुके हैं अभी। 33 सेकंड्स हो गए, यस इवन और ज्यादा हो गए। इतना बड़ा पास 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 कितने सेकंड हो गए, वो तुम्हारी मर्जी है कितने सेकंड हो गए, अभी तो बस 1 मिनट बचता है। फिर 1 मिनट बचता है, 1 मिनट से भी कम, 50
57 seconds बचे हैं। 57 ना? 55. हाँ हाँ. 53. Come on, फोड़ो नहीं हो पाएगा. 49. 48. 45. 44. 43 फोड़ नहीं पाओगे. फिर फोड़ो नहीं फोड़ पाओगे. 39. 37. 36. 33. 32. 31. Countdown हो रहा है. Come on, फोड़ो. 28. 40 सेकंड इज डन. अब 50 सेकंड हो गए हैं. पूरा उतारना है. ऐसे फुलाओ. हाँ. एक मिनट रह पाए. ये तो पूरी नहीं है. कोई नहीं फुलाओ. ये तो होता है. कोई बीच में वो रह जाता है तो. कितना रह गया? 45 सेकंड बचते हैं. 44, 43, 42, 41. यस यस. गोइंग गुड. 1, 2, 3, 4, 5 फूल गए हैं. अब रिस्क के मतलब उनको फोड़ने लगो. बीस सेकंड रहते हैं बाबा. फोड़ोगे कब? रह जाएंगे. मेहनत खराब हो जाएगी. 15 सेकंड. 14 सेकंड. 13 सेकंड. 11 सेकंड. 10 सेकंड. 9, 8 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. खत्म. फिनिश. लास्ट वाला काउंट नहीं होगा. तो तुमने जल्दी कर रहा था. तो तुमने बुलाए 6 थे, ठीक है? 6 बुलाए और फोड़े तुमने 5. लास्ट वाला क्रॉस कर गया था. नहीं, तुम्हारा स्टॉपवॉच रुक गया था. नहीं. रुको ना. अब यहाँ पे आ जाओ. एक बार बैठ जाओ, ठीक है? इनको बाय पे बोलेंगे. बैठो. इस तरफ. नहीं. चलो. नहीं. घुमा दे. ऐसे घुमा लो उसको. घुमा लो. यस. आगे. हाँ. चलो जल्दी आ जाओ. हम आएंगे दोनों.
मेरे मुंह में लिपस्टिक लगा फैल गया ना, पता नहीं अब तो गाइस ये चैलेंज कैसा था। फर्स्ट टाइम हमने कुछ चैलेंज किया ऐसे। एक्चुअली है ना, हमें कुछ कमेंट पहले आए थे कि कुछ चैलेंजेस वगैरह भी करो, तो हम कभी कर नहीं पा रहे थे, सोच रहे थे क्या करें। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सा वेट भी ज्यादा है ना, तो हमने एग्जाम दे दिए। तो हमने पहला चैलेंज ही ऐसा लिया जो हमारे वेट को चैलेंज करे, ठीक है ना। बिकॉज दिस टास्क इज नॉट लाइक कि हम ऐसे को खाने का करें, क्योंकि खाने का चैलेंज इज वेरी इजी फॉर अस, हम खाते हुए रहेंगे। तो ये चैलेंज था जो हमें चैलेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सोचा था कि ऐसा कुछ करेंगे, ये सोचा था। और देखो बहुत अच्छा हुआ, 2 मिनट मेरा वो वाला बलून अटक गया था जिसमें हवा में फूंकती जा रही थी। मेरा भी ये था कि 2 मिनट हमें लग रहे थे कि बहुत ज्यादा टाइम है, हम बहुत ज्यादा कर देंगे, लेकिन जब करने लगे तो टाइम कब जल्दी आता है। मैंने 7 फुला दिए और उसके बाद फोन लगा। मैं फोन ने लगा था जब 30 सेकंड, 6 फुलाए थे फिर फोन ना शुरू किया था, तो 11 सेकंड का बचा था। 11 सेकंड में ग्लास वाला फुला, तो उसने बहुत बहुत तेजी से फुलाया और फोड़ा। मेरे से नहीं होगा, मैंने टाइम लगा। ये सब दर्द कर रहे हैं अभी, मेरा तो मुंह ही दर्द हो रहा है। तो ये चैलेंज बहुत अच्छा था। तो तुमने 6 फुलाए थे, 5 फोड़े। 5 फोड़े, मेरे मुंह भाग गए, मेरे मुंह सारे दर्द। मैंने 7 फुलाए और 7 फोड़ दिए। तुम्हारा जो लास्ट वाला बलून था छठा वाला, वो अगर दूर नहीं होता तो फूट जाता, वो आ जाता, तो दूर चला गया, तुम्हें जाके लेकर आना पड़ा, तो वो प्रॉब्लम फूट जाता। तो गाइस यहां पे हम फिनिश करते हैं इस व्लॉग को, ऐसे हां इस व्लॉग को फिनिश करते हैं और फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो बताइए आपको चैलेंज कैसा लगा, और आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं कुछ चैलेंज, और अगर वो हमें लगेगा कि हम कर सकते हैं, हमें ये भी देख रहे कर सकते हैं, और थोड़ा चैलेंजिंग भी होगा ना हमारे लिए, तो आई थिंक वी विल टेक दैट चैलेंज। लाइक ये हमारे चैलेंजिंग था, हमें टेबल है ये बहुत मजबूत नहीं है, इट्स नॉट वेरी यू नो स्ट्रॉन्ग हमारे हिसाब से, हमारे तो, बट स्टिल वी डिड इट, देखते बड़े हिसाब से थोड़ा, बट स्टिल वी डिड इट। और मजा आया, बहुत मजा आया। तो ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया शायद आपने ज्यादा नहीं देखा है, हम सोफे का एरिया आपने देखा है, यहाँ पे जो ये लगा हुआ है क्रिसमस ट्री, ये देखा है। तो ये एरिया में डाइनिंग एरिया है, इसको हम यूज कम ही कर रहे हैं अभी, बट वी विल स्टार्ट यूजिंग इट। सो आप हमें यहाँ पे इस एरिया में भी देखोगे बहुत। और चलो, और बस आज हमारा न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं, और आने वाला साल होपफुली बहुत अच्छा बीते हमारा भी और आप सबका भी, और इस क्रिसमस ट्री को भी अब कल हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट बोली थी कि प्लीज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी हमें नई वीडियोस आएंगी वो आपको मिलेंगी। लाइव आने के बाद भी ना फिर क्या होता है कि कुछ लोगों को पता नहीं चलता, वो बाद में बोलते कि लाइक यू नो कि लाइव मुझे लाइव के टाइम में ना, लाइव जैसे मैंने कभी खत्म किया, मुझे एक दो मैसेज आया मेरे इंस्टा पे, तो मुझे पता चला कि उनको लाइव पर नहीं आ पाया, उनको पता नहीं चला, तो मैंने बोला भाई बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, तो ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी लाइव आए या कुछ भी बहुत स्पेशल व्लॉग आए तो आपको पता चल जाए। चलो ठीक है, तो सर फिर हम आप सबको मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, और आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं अपने। होपफुली व्लॉग आपको पसंद आया होगा, टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। और आगे से भी हम चैलेंजेस कुछ ना कुछ ऐसा अब आता रहेगा, बाय सब, बाय करो, चलो बाय, गुड नाइट, बाय। होप यू ऑल लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बेल आइकन प्रेस करिए हमारे नए मोर अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।